देखिए शराब के मामले में ये सरकार ही चली गई और कितने लोगों के खिलाफ में अभी यूओडब्ल्यू में अपराध पंजीबद्ध हुआ है। वास्तविक में सारे मामले के पूर्ण जांच की आवश्यकता है और जांच में आप देखेंगे कि जिस प्रकार से ईडी का जो मामला आया और जो मामले आए हैं तो भारी भ्रष्टाचार और करप्शन का अड्डा ये शराब बन गए और उसके कारण में शराब माफिया लगातार बढ़ते रहे। हम लोग जब इस बात को बोल रहे थे कि अलग अलग पेटी रखे जाते हैं, सरकार की पेटी राजस्व की अलग है, प्राइवेट अलग है, उस समय सरकार के द्वारा इनकार किया गया, लेकिन ये मामला अब खुल रहा है। कल भी मैंने प्रश्न लगाया बताया कि 21-22 में 52 करोड़ 27 लाख ऑनलाइन में बिक्री हुए और 22-23 में मात्र 24 लाख, तो एक साल में इतने पीने वालों की संख्या कम हो गई, कैसे इसको विश्वास दिलाएंगे? तो उसमें जांच के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसकी जांच कराएंगे, तो वास्तविक में आज का भी जो मामला आया है ये बड़ा मामला है और इसके पूर्ण जांच की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि करोड़ नहीं अरबों रुपए का घपला का मामला है और निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए।